गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लिंकेज। लिंकेज का जो कंसेप्ट है वो जेनेटिक्स में एक नया जो है कह रहे रेवोल्यूशन जो उसने लेकर आया कि अब तक हमें ये पता था कि क्रोमोसोम होते हैं और हमें पता चला कि क्रोमोसोम के ऊपर लगे होते हैं जीन्स, जिन्हें मेंडल ने क्या कहा था फैक्टर्स। हमें ये बात पता थी, लेकिन अब ये फैक्टर्स या जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर कैसे लगे हैं, किस तरह से लगे हैं, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। तो दो साइंटिस्ट थे, बेटसन एंड पुनेट। बेटसन एंड पुनेट ने हमें कंसेप्ट दिया लिंकेज का। लिंकेज क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू लिंकेज, टेंडेंसी ऑफ द जीन्स टू स्टे टुगेदर, कि जीन्स जो है उनकी टेंडेंसी क्या है, वो एक साथ रहेंगे। टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज लिंकेज। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में दो जीन्स या दो से ज्यादा जीन्स एक साथ अगर रहें, एग्जाम्पल लेके हम इसकी बात समझते हैं। मान लो कोई एक पेरेंट है, चाहे वो मदर है चाहे वो फादर है, ठीक है, उस पेरेंट के दो करेक्टर हैं, उसका कलर फेयर है और उसके बाल हैं कर्ली, मान लो मदर है, ठीक है, उसका रंग साफ है और बाल कैसे हैं, कर्ली हैं, ठीक है। अब इस मदर के जो आगे बच्चे हैं उन सब का कलर फेयर ही है और कर्ली ही है, कोई भी ऐसा नहीं आया इनका बच्चा कि जो डार्क हो और जिसके बाल स्ट्रेट हों। सबके सब में क्या करेक्टर आया? सेम मदर वाला, रंग भी साफ और बाल भी कर ली, दोनों करेक्टर इकट्ठे एक साथ, और आगे के आगे ये बच्चे, इनके आगे बच्चे, इनके आगे बच्चे, जनरेशन बाय जनरेशन ये करेक्टर एज इट इज ही चल रहा है। ऐसा क्यों है ये हमें एक्सप्लेन करती है लिंकेज। लिंकेज कहती है कि जो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स लगे हुए हैं, ये जीन्स लगे हुए हैं इन अ लीनियर फैशन। लीनियर फैशन का मतलब क्या हुआ? लीनियर फैशन का मतलब इस तरह से लंबाई में लगे हैं, जैसे मैंने आपको ये डायग्राम में दिखाया है कि जीन्स इस तरह से लंबाई में लगे हुए हैं क्रोमोसोम के ऊपर, और जो जीन्स एक दूसरे के जितने पास में हैं, चांसेस क्या हैं कि ये दोनों जीन्स एक साथ ही अगली जनरेशन में जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको कि दो जीन्स जो जितने साथ में लगे हैं वो अगली जनरेशन में एक साथ जाएंगे और उन्हें हम क्या कहेंगे? लिंक्ड जीन्स। अब फिर से मैं डायग्राम बनाती हूँ और इसमें मैं 5 जीन्स को मार्क करती हूँ। ये जीन नंबर 1, जीन नंबर 2, जीन नंबर 3, जीन नंबर 4, और ये हो गया जीन नंबर 5, ठीक है। अब लिंकेज क्या कहती है कि जीन नंबर 1 और 2 क्योंकि एक साथ हैं तो ये क्या हो गए? लिंक जीन्स। जीन नंबर 1 और 5 एक दूसरे से दूर हैं तो ये क्या हो गई? अनलिंक्ड जीन्स। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि जो जीन्स एक साथ इकट्ठे लगे हुए हैं वो अगली जनरेशन में एक साथ जाएंगे। इसका कारण क्या है कि हमने, अगर याद हो, +1 में मियोसिस में पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर, है ना, क्रॉसिंग ओवर हमने पढ़ा था कि दो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, इस तरह से ओवरलैप करके अपना मटेरियल एक्सचेंज करते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जब इस मदर के, ये मान लो जीन नंबर 1 है फेयरनेस वाला और जीन नंबर 2 है कर्ली हेयर वाला, ये दोनों इकट्ठे लगे हुए हैं क्रोमोसोम पर, मान लो फॉर एग्जाम्पल, और ये इस क्रोमोसोम पर लगे हुए, ये दोनों जीन्स इस क्रोमोसोम पर लगे हुए, ये लगे हुए, ठीक है, और ये वाला जो क्रोमोसोम है ये इस वाले क्रोमोसोम के साथ अपना मटेरियल
एक्सचेंज कर रहे हैं। अब ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज, ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जब हो रहा है, तो ये दो जीन्स जो एक साथ लगे हुए हैं, चांसेस क्या है ये दोनों इकट्ठे ही इस क्रोमोसोम के अंदर चले जाएंगे? ज्यादा चांसेस क्या है, ये दोनों जीन्स इकट्ठे, ये क्रॉसिंग ओवर हुई और ये वाले दोनों क्रोमोसोम, दोनों जीन्स है, ये वाला क्रोमोसोम जो है वो ले जाएगा। बाद में ये दोनों में ही कैसे दिखेंगे, ये देखो, ये रहा क्रोमोसोम और इसके पास ये ग्रीन वाले के ये दोनों जीन यहाँ पर आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि इसने क्रॉसिंग ओवर करा है। और दोनों इकट्ठे ही आए, एक नहीं आया, दोनों आए, क्योंकि दोनों क्या थे, लिंक्ड जीन्स थे, एक दूसरे के पास में लगे हुए जीन्स थे, इसलिए दोनों इकट्ठे एक साथ अगली जनरेशन में पहुंच गए। कहीं अगर ये जीन ऐसे लगे होते, एक यहाँ और एक यहाँ, ये फेयरनेस वाला, ये कर्ली हेयर वाला, तो क्या होता, ये क्रॉसिंग ओवर होगी, ये तो इधर चला गया, दूसरा इस ग्रीन वाले में ही रह गया। कर्ली हेयर वाला कैरेक्टर ग्रीन वाले में रह जाता और ये रेड वाला कैरेक्टर, रेड वाले क्रोमोसोम के अंदर फेयरनेस वाला कैरेक्टर आ जाता। तो ऐसे पेरेंट के बच्चे क्या बनते, एक कैरेक्टर एक में, एक कैरेक्टर एक में आता। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर ये दोनों जीन्स एक साथ लगे हुए हैं तो दे आर लिंक जीन्स, और ये अगली जनरेशन से अगली जनरेशन एज इट इज ही चलते जाएंगे। इन्हें हम बोलते हैं लिंक जीन्स और अनलिंक्ड जीन्स। ठीक है, तो लिंकेज का जो कंसेप्ट था उसने एक नई चीज हमें बता दी कि जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम पर कहाँ पर लगे हुए हैं, इसके हिसाब से, जैसे आप गूगल मैप्स है ना, ऐसे ही हमारे पास जीन मैप्स हैं। ने कल पढ़ा था लेक्चर में टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन के बारे में। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने जीन मैप्स के बारे में हमें बताया कि उन्होंने पता लगा लिया कि आपके इतने क्रोमोसोम्स हैं, 25,000 30,000 जीन्स हैं, और हर क्रोमोसोम्स में ये जीन्स कहाँ कहाँ पे लगे हैं, इस तरह से इन्होंने इसमें हमें बता दिया। अब मान लो हमें लगता है कि कोई एक जीन में खराबी है, वो जीन कौन सा है, हमें पता है इस क्रोमोसोम नंबर, मान लो क्रोमोसोम नंबर 21 में इस जगह पर ये जीन लगा हुआ है, तो हमें उसके बारे में सारी नॉलेज हो जाएगी। जैसे हम एड्रेस ढूंढ लेते हैं गूगल मैप से, ऐसे ही जीन मैप से हम जीन ढूंढ लेते हैं बीमारी को देख के, कि ये बीमारी को करने वाला ये जीन है और ये इस क्रोमोसोम पर लगा हुआ है। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई है सबको? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के क्या है, एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट चलने वाले। तो क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज दोनों अलग अलग हैं। लिंकेज क्या कहती है कि जीन्स क्रोमोसोम पर जो इकट्ठे लगे हैं वो इकट्ठे ही रहेंगे हर जनरेशन में, एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, एक साथ ही रहेंगे। और क्रॉसिंग ओवर क्या कहती है कि एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ अपना मटेरियल एक्सचेंज करता है और इसके जीन इसके पास, इसके जीन इसके पास चले गए, तो हो गए ना दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करने वाले। क्रॉसिंग ओवर क्या है कि जब गैमीट फॉर्मेशन हो रही होती है, यानी कि स्पर्म और ओवम बनते हैं मेल और फीमेल के अंदर, तब जो डिवीजन होती है मियोसिस, उस मियोसिस के दौरान दो क्रोमोसोम्स अपना मटेरियल एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, और इस एक्सचेंज वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। इस क्रॉसिंग ओवर से क्या बनते हैं, नए रिकॉम्बिनेशंस। अब ये क्रॉसिंग ओवर के बाद देखो, इस वाले का, ग्रे वाले का मटेरियल इसमें मस्टर्ड में आ गया, मस्टर्ड वाले का मटेरियल ग्रे में आ गया, तो ये वाला क्रोमोसोम अब कैसा दिखेगा, ये वाला क्रोमोसोम हमें दिखेगा कुछ ऐसा, ये इसमें ग्रे का मटेरियल आ गया, और ये ग्रे वाला क्रोमोसोम हमें कैसा दिखेगा, इसके अंदर इसका मटेरियल आ गया। तो नॉर्मल जो क्रोमोसोम्स थे ये कैसे थे, ये वाला क्रोमोसोम ये था और ये ग्रे वाला क्रोमोसोम ऐसा था। अब इन दोनों ने जब क्रॉसिंग ओवर कर ली तो उसके बाद ये क्या बन गए, ऐसे बन गए। क्या ये एक जैसे हैं? नहीं, ये डिफरेंट बन गए ना। ये डिफरेंट क्यों बन गए, ये एक जैसे नहीं है, ये भी, ये ग्रे वाले से डिफरेंट हो गया, ये मस्टर्ड वाले से थोड़ा डिफरेंट हो गया।
इसी डिफरेंस का नाम है वेरिएशंस या रिकॉम्बिनेशंस। अब आप अपने पेरेंट्स के जैसे हो लेकिन थोड़ा सा फर्क है, वो क्यों? क्योंकि जब फादर के स्पर्म बन रहे थे और मदर का ओवम बन रहा था तब वहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई, जिससे उनके क्रोमोसोम बिल्कुल डिट्टो उनके जैसे नहीं रहे, उसमें थोड़े चेंजेस आ गए। अब जितनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर उतने ज्यादा आप अपने पेरेंट्स से डिफरेंट, जितनी कम क्रॉसिंग ओवर या क्रॉसिंग ओवर हुई नहीं तो आप ज्यादा से ज्यादा करेक्टर आपके आपके पेरेंट्स से मिलेंगे। दिस इज क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इज इट क्लियर? क्या बात है, समझ में आ गई आपको? तो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे से एंटागनिस्ट प्रोसेस है। ठीक है, अब लिंकेज जो है वो भी दो तरह की है। लिंकेज जो है वो दो तरह की है, एक है कंप्लीट लिंकेज और एक है इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। अब कंप्लीट लिंकेज क्या कहती है कि जीन्स जो हैं दे आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं एंड दे डू नॉट सेपरेट, ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते और एज इट इज इनहेरिट हो जाते हैं अगली जनरेशन में, एज इट इज चले जाते हैं। अगर दो जीन्स हैं क्रोमोसोम पर लगे हैं इकट्ठे अगली जनरेशन में जा रहे हैं तो वो क्या शो कर रहे हैं? कंप्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या है कि दो क्रोमोसोम्स हैं, दो क्रोमोसोम्स हैं, वेन न्यू कॉम्बिनेशंस बनाकर, मतलब इन्होंने क्या करा, एक बार तो क्रॉसिंग ओवर कर ली, ये क्रॉसिंग ओवर इन्होंने, ये दो क्रोमोसोम है, इन्होंने क्रॉसिंग ओवर एक बार कर ली और क्रॉसिंग ओवर में क्या हुआ, इनके एक बार नए कॉम्बिनेशन बन गए, उसके बाद वो कॉम्बिनेशन एज इट इज चल रहा है। यहां पर क्या हुआ था, कभी भी कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बना, एज इट इज वही करेक्टर चलता जा रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, पेरेंट के करेक्टर से नया रिकॉम्बिनेशन बना, फिर वो रिकॉम्बिनेशन एज इट इज अगली से अगली से अगली जनरेशन में चला जा रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है, जैसा पेरेंट वैसे ही आगे बच्चे, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं बना। तो ये कंप्लीट लिंकेज, जहां पर एक बार रिकॉम्बिनेशन होकर फिर वो करेक्टर आगे के आगे जा रहा है तो वो इनकम्प्लीट लिंकेज है। ठीक है, तो लिंकेज कितनी होगी, कैसी होगी, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर। तो लिंकेज जो है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि ये कितनी लिंकेज शो होगा इस क्रोमोसोम में या नहीं होगी। सबसे बड़ा फैक्टर जो है दैट इज एज। एज जो है वो लिंकेज को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे करके क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होंगे और क्रॉसिंग ओवर कम होगी तो लिंकेज ज्यादा होगी। एज के बढ़ने के साथ अगर एज बढ़ती जाती है, बड़ी उम्र में आपके बच्चे होते हैं तो आपके बच्चों में जो गैमीट्स आपके जाएंगे, जो स्पर्म ओवर जाएंगे, उनकी क्रॉसिंग ओवर कम होगी और क्रॉसिंग ओवर कम होगी तो मतलब लिंकेज ज्यादा हो गई। अभी हमने क्या करा, क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज क्या है, एंटागनिस्ट, एक दूसरे के अगेंस्ट काम करने वाले। तो मतलब क्रॉसिंग ओवर कम तो लिंकेज ज्यादा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा तो लिंकेज कम होगी। तो दूसरा फैक्टर जो है लिंकेज को अफेक्ट करता है दैट इज टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा दें, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर दें तो क्रॉसिंग ओवर भी इंक्रीज हो जाएगी और क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज हो जाएगी तो लिंकेज डिक्रीज हो जाएगी। ये दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर है रेडिएशन। अगर हम गैमीट्स फॉर्मेशन के दौरान रेडिएशंस को, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, एक्सरेज हैं, इनके एक्सपोजर में जो पेशेंट है वो ज्यादा रहती है तो उसमें लिंकेज के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि रेडिएशन क्रॉसिंग ओवर को बढ़ा देती है। लिंकेज जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर बढ़ी तो लिंकेज घटी, क्रॉसिंग ओवर घटी तो लिंकेज बढ़ गई। ठीक है, फोर्थ जो फैक्टर है दैट इज डिस्टेंस।
अब क्रोमोसोम में जीन्स का आपस में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा लिंकेज उतनी कम होगी। अगर जीन का जो डिस्टेंस है वो कम होगा तो लिंकेज जो है वो ज्यादा होगी। लिंकेज का मतलब अगर क्रोमोसोम में इकट्ठे लगे हैं तो एक साथ जाएंगे और दूर लगे हैं तो एक साथ नहीं जाएंगे। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है इसमें आपके, दैट इज क्रोमोसोम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या कहती है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने करेक्टर्स को, चाहे वो कोई बीमारी का करेक्टर है या कुछ पर्टिकुलर करेक्टर्स हैं, वो अपने करेक्टर्स अपने ऑपोजिट सेक्स वाले अपने चाइल्ड को देगा, और ये जो चाइल्ड जिसको ये करेक्टर मिला है वो ये करेक्टर अपने ऑपोजिट सेक्स वाले चाइल्ड को देगा। अब इस बात को समझो कैसे। इंडिविजुअल मान लो गर्ल्स का केस अगर हम लेते हैं, तो मान लो ये जो चाइल्ड है गर्ल, आप लोग ठीक है, आपके अंदर जो करेक्टर आए हैं आपके, वो आपके जो है ऑपोजिट सेक्स के पेरेंट्स से। यू आर अ गर्ल तो आपको ऑपोजिट सेक्स का पेरेंट कौन हो गया, आपके फादर। मींस आपके अंदर वो करेक्टर किस में से आए हैं, फादर में से आए हैं। और फादर में वो करेक्टर किससे आएंगे, फादर के ऑपोजिट सेक्स का पेरेंट, मतलब फादर की मदर मीन्स तुम्हारी ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर कौन, इंग्लिश में तो सारी ग्रैंड मदर होती है, हिंदी की बात करें तो दादी। तो तुम्हारी दादी से अगर कोई डिजीज वाला करेक्टर है, ट्रेट है, वो फादर में जाएगा और फादर से गर्ल चाइल्ड के अंदर आएगा। अगर हम बॉयज की बात करें तो बॉयज में क्या कहा जाता है कि बॉयज में करेक्टर किससे आएगा, मदर से, ठीक है, और मदर में किससे आएगा, मदर के फादर से यानी कि नाना से। तो बॉयज के करेक्टर नाना से मिलेंगे और गर्ल्स के करेक्टर दादी से मिलेंगे, जो उनको कोई डिजीज वाले करेक्टर आते हैं। कई करेक्टर्स ऐसे हैं जो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करते हैं, मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे लेकिन ऑपोजिट सेक्स में जाएंगे, और ये फिनोमिना क्या कहलाता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, ये जनरल करेक्टर्स भी हो सकते हैं और ये जो है हम कहें तो कोई पर्टिकुलर डिजीज के करेक्टर भी इसमें हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम डिजीज वाले करेक्टर्स की ज्यादा बात करेंगे। फिर है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। कुछ करेक्टर जो है वो सेक्स लिंक्ड होते हैं, मींस एक्स क्रोमोसोम पर ही लगे होते हैं, वाई पर भी लगे होते हैं, लेकिन वाई पर लगे हुए करेक्टर्स थोड़े होते हैं एंड इट इज नॉट इन योर सिलेबस। हमारे पास सेक्स लिंक जितने भी ट्रेट्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम से लगे हुए होते हैं। अब एक्स क्रोमोसोम में अगर हम देखें तो ये सिस्टम कैसे चलता है ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमंस के अंदर मेल कौन है, जिसके पास 44 ऑटोसोम्स है, और सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से हैं, एक्स और वाई। बेटा हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं, जिनमें से एलोसोम होते हैं एक तरह के क्रोमोसोम, और एक तरह के क्रोमोसोम होते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स जो सेक्स क्रोमोसोम्स को छोड़कर बाकी हैं 44, और दो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एलोसोम्स। मेल में एलोसोम्स क्या है, एक्स वाई, और फीमेल में क्या होता है, ऑटोसोम्स तो वही रहने हैं, दो एक्स रहते हैं, 44+XX एंड 44+XY। ठीक है, तो हमारे अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कौन कर रहा है, एक्स क्रोमोसोम। अगर आपसे पूछे राइट द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमंस, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमंस, तो ह्यूमंस का सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, एक्स 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 वाई से। अगर आप एक्स एक्स क्रोमोसोम लिए हुए हो तो फीमेल हो, और एक्स वाई लिया है तो मेल है। आगे अभी हम ये करने वाले हैं, और कॉकरोच
ग्रास हॉपर, इन सब में कैसा होता है? तो जब भी आपने इसमें लिखना है, पहले फीमेल का लिखना है, उसके बाद आपने मेल का लिखना है, ठीक है? तो ह्यूमंस में सेक्स डिटरमिनेशन कैसे है? एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम की वजह से। और अब हम बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स की, कॉकरोच और ग्रास होपर के। कॉकरोच और ग्रास होपर में जो सेक्स डिटरमिनेशन है वो भी एक्स 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 वाई से होती है, लेकिन यहाँ पर वाई गायब है, एक्स 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 ओ। यहाँ पर ओ का मतलब है कुछ भी नहीं, ठीक है? तो फीमेल के अंदर क्या है? 2x, और मेल में क्या है? 1x। जिसके पास 1x है वो मेल, जिसके पास 2x है वो फीमेल। ऐसा होता है कॉकरोचेस, राउंड वर्म और ग्रास होपर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एंड फॉर थ्योरी एमसीक्यू। सेक्स डिटरमिनेशन कॉकरोच में, ग्रास होपर में, राउंड वर्म में कैसे होती है? एक्स 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 ओ, ठीक है? ऐसे ही सेक्स डिटरमिनेशन जो है बर्ड्स और रेप्टाइल्स में कैसी होती है? बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, स्नेक्स वगैरह, इनके अंदर सेक्स डिटरमिनेशन होती है ZW ZZ टाइप। अब ZW फीमेल है, फीमेल के पास दो अलग तरह के सेक्स क्रोमोसोम है और मेल के पास एक तरह के सेक्स क्रोमोसोम है। जिसके पास एक जैसे सेक्स क्रोमोसोम हो, जैसे हम ह्यूमन फीमेल की बात करें, एक्स एक्स क्रोमोसोम है, दोनों एक्स एक से जैसे है, तो हम क्या कहेंगे? ह्यूमन फीमेल्स आर होमोगैमेटिक। और मेल के पास एक एक्स है एक वाई, तो मेल्स आर हेटीरोगैमेटिक। हेटीरो मीन्स डिफरेंट, होमो मीन्स सेम। तो यहां पर अगर हम बात करें बर्ड्स और रेप्टाइल्स में, तो फीमेल आर हेटीरोगैमेटिक एंड मेल्स आर होमोगैमेटिक, ठीक है? और देखते हैं सेक्स डिटरमिनेशन, सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स। बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स, जो कलरलेस बटरफ्लाइज होती है वो मॉथ्स होती हैं, ब्राउन क्रीम से कलर की होती हैं, ठीक है? इनके अंदर सेक्स डिटरमिनेशन होती है ZO ZZ टाइप। अब फीमेल क्या है? सिंगल हेटेरोगैमेटिक, एक ही गैमेट है इसके अंदर। और मेल जो है वो क्या है? होमोगैमेटिक, उसके पास दो एलोसोम्स हैं। फिर आ जाओ वास्प, जो येलो कलर के बड़े काटते हैं बड़ी जोर से, वास्प जो होते हैं, हनी बीज एंड एंट्स, चींटियां, इनमें सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होती है? हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड टाइप। हनी बीज की बात करें तो हनी बीज में जिनके क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड है, एन है, तो वो क्या बनेंगे? मेल्स। और जिनका क्रोमोसोम नंबर डबल है, डिप्लॉइड है, वो क्या बनेंगी? फीमेल्स। तो यहाँ पर हनी बीज में क्या होता है कि जो फीमेल का एग है वो अकेला ही एक नया इंडिविजुअल बना देता है, लेकिन वो अकेला एग सिर्फ 16 क्रोमोसोम वाला हैप्लॉइड है, तो वो क्या बना सकता है? मेल। जब ये एग स्पर्म के साथ फ्यूज हो गया, स्पर्म के पास भी कितने क्रोमोसोम है? 16। फ्यूज होकर जब ये बनाएगा 32 क्रोमोसोम बन जाएंगे, तो वो हमेशा ही क्या होगी? फीमेल। तो हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो, इसके हिसाब से आपका सेक्स डिटरमिनेशन होता है हनी बीज में, वास्प में और एंट्स के अंदर। एक और तरह की सेक्स डिटरमिनेशन है ड्रोसोफिला की। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेक्स डिटरमिनेशन इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर या फ्रूट फ्लाई, इसके अंदर सेक्स डिटरमिनेशन क्या होती है? इसके अंदर जो सेक्स डिटरमिनेशन है बड़ी नए तरह की है। सेक्स डिटरमिनेशन को हम जो डिटरमिन करते हैं उसके लिए एक थ्योरी बनी है, दैट इज जीनिक बैलेंस थ्योरी। जीनिक बैलेंस थ्योरी क्या कहती है कि जो जीन्स हैं या जो क्रोमोसोम्स हैं वो कितने हैं, उनकी रेशियो से हम बता सकते हैं कि ये मेल होगा
या फीमेल ड्रोसोफिला होगा. फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो रेशो बनती है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ ऑटोसोम्स, कितने एक्स क्रोमोसोम है और कितने सोमेटिक बॉडी के क्रोमोसोम है उसकी रेशो बताती है. चलिए देखते हैं, अगर ये रेशो आती है 1 किसी के अंदर, मान लो किसी ड्रोसोफिला के अंदर 4 ही एक्स क्रोमोसोम है और 4 ही ऑटोसोम है, तो ये रेशो क्या आ गई, 1. अगर 1 आ गई तो वो ड्रोसोफिला क्या बनेगा, फीमेल, मतलब जिसके पास 4 ही ऑटोसोम है और 4 ही एक्स क्रोमोसोम है वो क्या होगी, फीमेल. अगर ये रेशियो आती है 0.5 तो क्या बनेगा, मेल. अगर ये मोर देन 1 आती है, रेशियो 1 से ऊपर आती है तो सुपर फीमेल. अगर ये आती है लेस देन 5 तो सुपर मेल. और लास्ट बचा लेस देन 0.5, नॉट 5, 0.5. और अगर ये रेशो आती है 0.5 से 1 के बीच में तो ना वो मेल है ना वो फीमेल है, इट इज इंटरसेक्स, ना वो पूरी तरह से मेल है और ना ही वो पूरी तरह से फीमेल है. तो जीनिक बैलेंस थ्योरी या ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ ऑटोसोम से डिसाइड होता है कि ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगी. ठीक है, सुपर फीमेल और सुपर मेल का मतलब, बेटा सुपर मेल का मतलब उसमें मेल के करेक्टर्स ज्यादा होंगे और सुपर फीमेल मीन्स उसके अंदर फीमेल के करेक्टर और ज्यादा होंगे. ऐसा ह्यूमंस के भी अंदर भी होता है, हम परसों पढ़ेंगे कि सुपर फीमेल्स के अंदर क्या है, फेमाइन करेक्टर्स ज्यादा होंगे, फीमेल्स वाले करेक्टर ज्यादा है, एक्स क्रोमोसोम ज्यादा है, तो जो काम एक्स क्रोमोसोम ने करना है, जो काम करना है उस क्रोमोसोम ने, वो एक्स्ट्रा होगा, ज्यादा होगा, दैट इज सुपर मेल एंड सुपर फीमेल, नॉर्मल करेक्टर्स से बढ़कर करेक्टर्स होगा. ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है.